सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गज़ल के बारे में, क्योंकि गज़ल का नाम सुनते ही हमारे जहन में शेर व शायरी आने लगती है, क्योंकि गज़ल का मतलब ही शेर व शायरी होता है। इसलिए जब भी कभी गज़ल के बारे में कुछ लिखा जाता है या कुछ कहा जाता है तो उसमें सबसे पहले एक शेर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम भी गज़ल की शुरुआत पहले एक शेर से ही करते हैं। बकुल शायर, गजल नाम है इश्क के मुआमलाते, खता हुई कि दिलबरों की बात कहते आए हैं। गजल नाम है इश्क के मुआमलाते खामखा, खता हुई थी दिलबरों की बात कहते आए हैं। अब हम पढ़ेंगे गजल के बारे में। गजल को उर्दू शायरी की बेहतरीन सिंफ सिखन करार दिया गया है। गजल को इब्तिदा से ही एक खास मकाम मकबूलियत और इम्तियाजी मकाम हासिल रहा है। गजल को उर्दू शायरी की बेहतरीन सिंफ सिकन करार दिया गया है और गजल को इब्तिदा से ही एक खास इसको खास मकबूलियत और इम्तियाजी मकाम हासिल रहा है। ये था गजल के बारे में। तो हमने से अभी पढ़ाए गजल के बारे में, इस चीज को नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे गजल की तारीफ, यानी कि गजल की परिभाषा। इससे हमने पहले पढ़ा था गजल के बारे में सिर्फ जाना था, तो अब गजल की परिभाषा जो है मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गजल अरबी जबान का लफ्ज है। गजल अरबी जबान का लफ्ज है। इसके लघवी मायने औरतों की बातें करना, या औरतों से
बातें करने से है। इसके लगे मायने क्या है? औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करने से है। अरबी में गजल इश्किया असरार को कहते हैं। इसके खास मौजू हुस्न और इश्क के मुजामिन बयान करना होता है। गजल अरबी जबान का लफ्ज है और इसके लफ्ज़ी मायने औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना है। और अरबी में गजल इश्किया अशआर को कहते हैं और इसका खास मौजू क्या होता है? हुस्न और इश्क के मुजामिन बयान करना। लेकिन अब क्या हुआ है कि आज के दौर में गजल के मायने बदल गए हैं। अब इसमें हुस्न इश्क के अलावा सियासी सामाजिक अखलाक खेलकूद वगैरह का भी जिक्र होने लगा है। क्या हो गया है इसमें कि पहले तो सिर्फ औरतों के बारे में पूछने रिस्क के उनके रहन सहन के तौर तरीकों के बारे में होता था, बात की जाती थी गजल में। लेकिन अब इस दौर में क्या हुआ है, इसका जो मायने है वो बदल गए। अब इसमें सिर्फ हुस्न इश्क के अलावा सियासी यानी कि ही सियासत के बारे में, समाज के बारे में और है ना बोल चाल का तरीका, ढंग तरीकों के बारे में, खेल कूद के बारे में, मेल खेलों के सबका जिक्र होने लगा है। गजल अरबी से फारसी में आई। परवान चढ़ी।
ये हो गई इसकी तारीफ। क्योंकि गजल सबसे पहले अरबी में थी, फिर अरबी से फारसी में आई, फिर फारसी के बाद में उर्दू में आई, और उर्दू में इसने बहुत तरक्की की। इस चीज को नोट कीजिए। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।